What about your first baby? वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल कैसे हैं तो हम दोस्तों उम्मीद करते हैं ठीक ठाक जिस खुशखबरी का इंतजार था उनका फैंस को हिबा बुखारी के फैंस को आज वो खुशखबरी लाइव आकर दोनों ने दे दी जी हाँ हिबा बुखारी और रिस खान लाइव आकर अपने आने वाले नन्हे मेहमान के हवाले से बताते हुए नजर आए वीडियो क्लिप मुकम्मल शेयर करेंगे और उनकी जुबानी तमाम तफ़ीत भी सुनवाएंगे लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि शोबिस से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बरबक़ मिल सके जैसा कि आप सभी जानते हैं अरीज और हिबा की जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया इन्होंने जब अपने हवाले से अभी सोशल मीडिया पर कोई बात भी नहीं लाई थी लेकिन लोगों ने इनके रिलेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें बनाई बनाएंगी और ये कहना शुरू कर दिया कि इन दोनों की मंगनी हो गई है इन दोनों की शादी हो गई लेकिन अब तब तक कोई भी ऐसी बात सामने तो नज़र नहीं आ रही थी अचानक से इन्होंने शादी की शादी की तस्वीर सामने आई तो इस बात का सबूत मिल गया इनके फैंस को कि हाँ भाई ये शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं शादी के फंक्शन बड़े ग्रैंड रहे लोगों ने इनकी शादी के तमाम फंक्शन को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया अप्रिशिएट किया मुबारकबादें दी और दुआएं भी बेशुमार दी हिबा बुखारी पिछले दिनों बेबी शावर की तस्वीर में नज़र आईं तो लोगों ने कहा कि लगता है नए बच्चे की आमद हुई है तो एक लाइफ लाइव सेशन के दौरान से कई लोगों ने सवाल भी हैं कि क्या इसमें कोई हकीकत है या नहीं या फिर कुछ लोग बातें ही बना रहे हैं तो ख़वान हजरा यहाँ बताते चलें कि बुखारी और रिज खान ने लाइव आकर जहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की बातें की जिसमें उन्होंने बताया आने वाले अपकमिंग जो प्रोजेक्ट हैं उनमें उनकी क्या रोल्स हैं और वो किस तरह से और किस मंथ आ रहे हैं तमाम तफसी बताई वहीं पर अपने आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में बताया जब किसी ने इंडिया से सवाल किया कि आपका फ़र्स्ट बेबी कब होगा या फिर आप प्रेग्नेंट हैं तो उनका सवाल था इस सवाल पर हिबा जो है वो ख़ामोश हो गई और अरेज़ ने तमाम सवालों के जवाब दिए और बताया कि अभी वो प्लान कर रही हैं अभी कोई इरादा नहीं है और ना ही ऐसी कोई बात है अगर होगी भी बात ऐसी तो वो सबसे पहले अपने फैंस को ही बताएंगे ख़ब्न हजरात हमारी तो दुआएँ इस फैमिली इस कपल के लिए हमेशा ही हैं कि अल्लाह देर आए दुरुस्त आए लेकिन जो भी हो इनके यहाँ बेटा या बेटी हो पूरे जहाँ के साथ हो और अपने माँ बाप का फर्मा बरदार हो सब की ख्वाहिश यही होती है कि औलाद हो तो नेक साल अता करे आमीन मुझे यहीं पर दीजिए का इजाज़त आपको हिबा बुखारी कैसी लगती है और ररीज़ खान का कौन सा किरदार ड्रामे बहुत ज़्यादा पसंद है जो आपके दिलों में बसता है में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगा कीजिएगा हमें दीजिएगा इजाज़त अला निकेबान